हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मेरे चैनल का नाम है जैन वीडियो, तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, मैं विशाल मेकअप मार्ट गई हुई थी, कुछ मुझे घर की जरूरत की चीजें चाहिए हुई थी, वही मैं परचेस करके आई हूँ। तो मैंने कहा चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम नहीं लेती, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बोलूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, बेल आइकन के साथ कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ वो आप देख पाओ और उसको एंजॉय कर पाओ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ऐसा छन्नी लेकर के आई हूँ जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही, और ये स्टील की है गाइस, बहुत ही अच्छी। मैं इस तरीके की बहुत दिन से सोच रही थी ले लूं, क्योंकि वो वैसे वाली मैं लेती हूँ वो 15-20 रुपए की आती है, वो ब्लैक पड़ जाती है और बहुत गंदी हो जाती है। तो मैंने फिर सोच रही थी कि इस तरीके की लूंगी, तो ये मुझे विशाल मेकअप मार्ट में मिल गई है, तो मैंने ले ली। और इसकी एमआरपी थी 149 रुपए, बट ये मुझे 99 की पड़ गई, तो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में पड़ गई, तो अच्छा है। सेकंड में दिखा दूं, मैंने एक इस तरीके का बकेट लिए हुए हैं, दो बकेट ली हुई हैं। ये मुझे 59 का पड़ गया, वैसे ये 119 रुपए का है, बट मुझे 59 का पड़ गया। मसाले वसाले रख के और बॉक्सों को उस तरीके से स्टोरेज करके रखो तो फिर बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज रहता है। तो मैं इस तरीके का मैं बस आपको दिखाने के लिए लेकर के आई हूँ कि मैंने किसके लिए चीज खरीदी हुई है। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये वाला, और अच्छा है, क्वालिटी वगैरह भी इसकी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट मैं लेकर के आई हूँ कुछ एक इस तरीके का बॉक्स, जो कि मुझे बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल गया है। ये ओनली मुझे 119 रुपए में मिल गया है, और इसमें 7 डिब्बे हैं, यानी 7 प्रोडक्ट है बोलूंगी या डिब्बे बोलूंगी, ऐसे हैं। और इसके देखिए काफी बड़ा साइज है, आप देख पा रहे होंगे काफी बड़ा साइज है इसका, और मैं इसका दिखा देती हूँ। ये बड़ा कैप निकलते हैं, तो इसमें 2 इस तरीके के बॉक्स है और इनका कैप भी इसमें पड़ा हुआ है। इस तरीके के 4 बॉक्स हैं, आप देखिए इस तरीके के 4 बॉक्स हैं, तो इन सबके कैप पड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट मेरा ये है, आई होप आपको ये भी अच्छा लगा। मुझे सबसे अच्छा प्रोडक्ट ये लगा, क्योंकि इतने रेंज में 119 में, और मुझे इस तरीके के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि किचन में बहुत सारी चीजें चाहिए रहती है स्टोरेज करने के लिए, किचन या कहीं और भी बहुत चीजें रहती है स्टोरेज करने के लिए। और इस तरीके के अगर बॉक्सेस होते हैं तो ऑर्गेनाइज करने में बहुत आसानी हो जाती है और सब बहुत मेंटेन रहता है। तो मैं इस तरीके का लेकर के, वैसे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो बहुत मतलब मैसी करके रखते हैं, मुझे ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। नेक्स्ट मैं लेकर के आई हूँ एक इस तरीके की प्यालियां, ये मैं आइसक्रीम के लिए लेकर के आई हूँ, तो मुझे ये बहुत पसंद आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं इनको भी परचेस कर लेती हूँ। और इसकी एमआरपी है ओनली 199 रुपए, वैसे ये 395 रुपए की थी, बट ये ऑफर में थी तो मुझे ओनली 199 यानी 200 रुपए की पड़ गई है। मैं खोल करके आपको दिखाती हूँ लुक वाइज कैसी है, और 6 पीस का कॉम्बो है, तो ये है कुछ इस तरीके का लुक इसका। और आइसक्रीम में बहुत ही मस्त लगने वाली है, और मैं अपना क्रॉकरी रखने का स्टैंड बनवाने वाली हूँ, तो मैं बहुत जल्दी आपके साथ शो करूंगी कि आप देखिएगा कि किस तरीके का है। तो उन सब के लिए मैं इस सबको डेकोरेट करूंगी, और मुझको इस तरीके की ट्रांसपेरेंट चीजें बहुत पसंद आती है, और मुझे क्रॉकरी का थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही शौक है। तो देखिए आप ये कुछ इस तरीके से हैं, और भी मैं चीजें लेकर के आई थी जो कि मैंने किचन में रख दी हैं, अभी यहाँ पर नहीं है किचन में, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, टॉयलेट के लिए थोड़ा सा ऑर्गेनाइज के लिए लेकर के आई थी, तो मैंने टॉयलेट में रख दी हैं, तो अब मैं उनको दिखा नहीं सकती, तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। और मैं इसी के साथ अपना वीडियो जो मैंने वहां पर शूट किया हुआ था विशाल मेकअप मार्ट का, वो भी लगा दूंगी, तो प्लीज उसको फुल वॉच कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, देखिए हम लोगों ने किस तरीके से शॉपिंग की और वहां पे कितना सारा सामान था, कितना अच्छा अच्छा था, बट मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए, और हम लोग जल्दी आ गए थे, बट मैं नेक्स्ट टाइम में जब भी जाने वाली हूँ तो फुल वॉच करवाऊंगी आपको, फुल शूट करवाऊंगी कि वहां पर क्या क्या कैसा कैसा और क्या क्या प्रोडक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो गाइस, ये मैं शूट नहीं कर रही थी, यहाँ पे बीटू शूट कर रही थी, और यहाँ पे सारे किचन के जो आइटम्स होते हैं सारे अवेलेबल थे, बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक जमे हुए थे, तो आपको ढूंढने में ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये विशाल मेकअप मार्ट है, बहुत अच्छे से सिस्टम से यहाँ पे सब लगा हुआ रहता है, और यहाँ पे पॉट भी रखे हुए थे, मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन मैं उस दिन जल्दबाजी में थी तो मैंने ज़्यादा कुछ ऐसे परचेस नहीं किया। अब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तब फिर आपको प्रॉपर तरीके से शूट करके दिखाऊंगी। और ये सेकंड फ्लोर पर थी मैं,
तो अच्छे से यहाँ पे सारा ऑर्गेनाइज इस तरीके से लगा हुआ था, बॉटल्स वगैरह डिब्बे वगैरह इस तरीके का आप देखिए। तो मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो और अच्छे से आपको सूट करके दिखाऊंगी। और अच्छा भी लगता है यहाँ पे इतने अच्छे अफोर्डेबल रेंज में सामान मिल जाते हैं अपन को मार्केट के से अलावा, क्योंकि यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट में अक्सर क्या होता है ऑफर्स चलते रहते हैं, तो अच्छा रहता है और चीजें बहुत अफोर्डेबल रेंज में पड़ जाती हैं, पैसों की भी बचत हो जाती है। तो जैसे हम वहाँ हाउस वाइफ हैं तो इस तरीके के आइटम्स हम लोगों को खरीदना अच्छा लगता है कि पैसे भी बच गए और हम लोगों ने आइटम्स भी ले लिए। और यहाँ पे भैया बैठा हुआ था तो लब चेयर और स्टूल दोनों पर पैर रख करके बैठा हुआ था, बहुत मस्ती कर रहा था क्योंकि बहुत सारा उसको सामान दिख गया था तो यहाँ से वहां फेंक रहा था, बहुत सारी शैतानी कर रहा था, बहुत मस्ती की। और मैं यहाँ पे कुछ जरूरत के अपना सामान देख रही थी, तो मैं बस देख रही थी और देखी, मैंने ध्यान नहीं दिया मेरा हैंडबैग खुला हुआ है, क्योंकि शायद मैंने हो सकता मोबाइल निकाल करके लब को दिया क्योंकि वो बहुत शैतान कर रहा था, तो मोबाइल निकाल करके मैंने दिया उसको। और ये यहाँ पे देखिए बकेट्स वगैरह बहुत सारी रखी हुई हैं, जिसमें से मैंने एक ये ली भी थी, आपने देखा ही होगा आगे। तो मैंने देखिए कितनी अच्छी तरीके से है, और इसकी प्लास्टिक जो है वो अच्छी क्वालिटी की रहती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रहती है, तो सारे आइटम्स बहुत ही अच्छे हैं। तो देखिए कितने अच्छे से सारा ऑर्गेनाइज है और बहुत साफ सफाई भी है यहाँ पर। ये बॉटल्स रखी हुई हैं यहाँ पर, बिटू बोल रही थी मम्मा बॉटल्स दिला दो, टिफिन दिला दो, मैंने कभी स्कूल तो जाती नहीं हूँ, और बिटू दिखा रही है अपना हैंड रख करके, तो फिर मैं बाद में दिलाऊंगी। और अभी उसके रखी भी हैं, न्यू ली हुए थे उसके, तो फिर अभी स्कूल जाना इस बार हो ही नहीं पाया तो फिर उसका सब रखा ही हुआ है, यूज नहीं हुआ है। तो देखिए, और ये डिब्बे मुझे बहुत पसंद आए थे, ये बिग बॉस में भी इस तरीके के डिब्बे रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे आप देखो ये सब उठा उठा के फेंक रहा है, तो फिर मैं नहीं लेकर के आई, मैं बाद में लूंगी। और लब ने बहुत शैतानी की, बहुत आइटम्स उठा उठा कर फेंके हैं वहां पर। तो देखिए यहाँ पे बच्चों का रखा हुआ है सिपर वगैरह, मैं एक लेकर के आई थी, वो मैं आपको दिखाना भूल गई, एक सिपर में लेकर के आई थी। देखिए बहुत ही अच्छे से मैनेज रहता है तो अच्छा है। और मुझे डस्टबिन चाहिए था फ्लावर वाला, ओपन वाला, बट मुझे मिला नहीं, तो देखती हूँ नेक्स्ट टाइम जाऊंगी अगर मिला तो फिर मैं लेकर के आऊंगी। आइटम्स तो मुझे बहुत लेना है, लेकिन लब बहुत परेशान करता है तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना बहुत मुश्किल रहता है, तो सब देख करके लेना पड़ता है कि लब परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको कोई एक संभालने वाला चाहिए रहता है। और बेटू उसको नहीं संभाल पाती क्योंकि बेटू को भी बाहर जाती है तो फिर वो भी थोड़ा सा करने लगती है, मम्मा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो इस तरीके से देखिए पूरा ऑर्गेनाइज है, सभी चीज यहाँ पे अवेलेबल है। और बगल में किचन का भी था जो खाने पीने का, उस तरीके से ग्रोसरी का भी था, अगर वहां से लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, बिग लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय, लव यू, टेक केयर।